वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ पोइम फ्रॉम क्लास एट इंग्लिश बुक एंड द नेम ऑफ द पोइम इज मर्सी इट्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स पेज नंबर सिक्सटी फाइव माई डियर स्टूडेंट्स ये जो पोइम है मर्सी इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट थे और सो माई डर स्टूडेंट्स पोइम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये जो पोइम है मर्सी इसको एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किया गया है लिया गया है विलियम शेक्सपियर के एक ड्रामा से उस ड्रामा का नाम है जब द मर्चेंट ऑफ वेनिस तो ये जो ड्रामा था बहुत ही ज़्यादा फेमस ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का इसी में ये पोइम है जो एक्सट्रैक्ट करके आपकी बुक में दी गई है तो पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन इस ड्रामा का दे देती हूँ क्या है ये एक्चुअली ये जो ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसमें चार करेक्टर्स होते हैं शाइलोक बसीनियो एंटोनियो और पोर्शियो ये जो चार करेक्टर्स हैं इसी पे ये बेसड है ये ड्रामा तो इस ड्रामा में क्या होता है ये जो एंटोनियो होता है इसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम है बसीनियो अब बसिनियो को एक बार क्या होता है बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो ये अपने फ्रेंड एंटोनियो से मांगता है ठीक है तो एंटोनियो के भी पास उस टाइम पैसे नहीं होते लेकिन ये अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहता है तो ये क्या करता है अपने दूसरे एक फ्रेंड से पैसे उधार मांगता है तो उस दूसरे फ्रेंड का क्या नाम है शैलोक ठीक है शैलोक तो इसको पैसे दे देता है लेकिन एक शर्त रखता है कि अगर आपने वक्त पे पैसे मेरे नहीं लौटाए एक टाइम बाउंड इसने रखा था कि अगर वक्त पे पैसे नहीं लौटाए तो आपको क्या देना पड़ेगा अपाउंड फ्लैश यानी कि अपनी बॉडी के हिस्से में से कहीं से भी एक फ्लैश का टुकड़ा देना पड़ेगा ठीक है तो ये इस शर्त पे मान गया और इसने इससे पैसे उधार ले लिए अब क्या होता है कि वक्त जैसे बीता जाता है इसके पास से पैसे खर्च हो जाते तो ये उसको पैसे वापस नहीं दे पाता है तो इस ड्रामा में एक्ट फोर है ये सीन फर्स्ट है जैसा ही फोर्थ एक्ट स्टार्ट होता है उसमें सीन फर्स्ट आता है जहाँ पे इस बसीनियो की जो वाइफ है पोर्शियो वो क्या करती है शहलोक के नाम एक लेट एक ये लिखती है पोइम लिखती है जिसका नाम वो मर्सी हो लिखती है ठीक है उसी पोइम का नाम है मर्सी और वही पोइम आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है ये इसे क्यों मर्सी मांगती है कि ये जो इसने उधार लिए थे ये वो चुका नहीं पाया तो उसे क्या करे रहम करे ठीक है अब ये जो पोइम मर्सी है इसमें जो लिटरली टेक्निक है वो है सोनेट सोनेट एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सिर्फ फोर्टीन लाइंस की पॉइंट लिखी गई होती है अगर आप इस पॉइंट को गिनेंगे लाइंस तो ये सिर्फ फोर्टीन लाइंस है तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली एक है सो माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन इट ड्रॉप जेंटल रेन फ्रॉम हेवन विलियम शेक्सपियर क्या बोलता है ये एक्चुअली विलियम शेक्सपियर ने ये किसने लिखी है पोर्शिया ने ड्रामा में पोर्शिया ने लिखी है किसको शेलोक को तो क्या बोलती है कि जो क्वालिटी है मर्सी की यानी कि रहम की जो क्वालिटी होती है इंसान में ये कोई फोर्सफुली हम नहीं दे सकते हैं यानी कि, कि किसी पे थोप नहीं सकते अगर हमें किसी पे तरस आता है किसी पे रहम हम करना चाहते तो ये दूसरा हम पे नहीं थोप सकता है ये कहाँ से आता है ये हेवन से हमारे पे नवाजी जाती है अपॉन द प्लेस बिनित इट इज़ टाइस ब्लेस्ड इट इज़ blessed हिम इट blessed हिम दैट gives एंड हिम दैट टेक्स ये वहाँ से आती है और उन पे नाजिल होती है ये मर्सी की क्वालिटी जो एक तो लेना चाहते हैं जिन पे हम मर्सी रहम करते हैं या जो रहम करने वाला होता है दिस माइटस्ट इन द माइटस्ट इट बिकम्स जितना ज़्यादा पावरफुल इंसान होगा वो जितना ज़्यादा रहम देगा उतना ज़्यादा वो पावरफुल होता है ठीक है जैसे माइटस्ट इन द माइटस्ट का मतलब हो गया मुर्सी इज़ मोर पावरफुल वन सम शोन बाई द मोस्ट पावरफुल किंग्स जब बड़े बड़े लोग जो हैं ज़्यादा मर्सी दिखाते तो तब इनका पावरफुल होता है द्रॉन्ड मुनार्क बेटर दैन हिज क्राउन अगर कोई बड़ा बादशाह होगा जो ताज पहन के होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होंगे लेकिन उसके पास अगर रहम भी होगा उसका जो वो ताज है वो ज़्यादा ऊँचा हो जाता है उसका जो वो स्टेटस है वो ज़्यादा ऊंचा हो जाता है ठीक है